Good morning, children. I am your English teacher, and this is your book, Smart English, for class 6th, by D.A. Trussler. इससे पहले हम लोगों ने जो आपकी कोर्स बुक है इसका पहला चैप्टर जो था गो फॉर इट बबलू, राइट, ये हमने कर लिया था. और आज हम लोग शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 2, द नाइटिंगल, राइट. नाइटिंगल का मतलब आप जानते होंगे. नाइटिंगल कहते हैं एक बर्ड होता है जो बहुत खूबसूरत, बहुत ही मीठी आवाज़ में बोलता है, गाता है, राइट. आप इसे कोयल भी समझ सकते हैं, राइट. तो पेज नंबर 12 निकालते हैं और आते हैं आपके लेसन नंबर 2 पर, राइट, जिसका नाम है द नाइटिंगल, राइट. जब द आर्टिकल लगा हुआ है द नाइटिंगल, द डेफिनेट आर्टिकल होता है एक, ए और एन जो होते हैं, तीन आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द. ए और एन जो कहलाते हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, राइट. जब किसी एक चीज़ के बारे में आपको कहना होता है तो अ या एन का यूज़ करते हैं आप, मगर किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में आपको कहना है तो आप द कहते हैं, द लगाते हैं उसके नाम के आगे, राइट. तो द नाइटिंगल मतलब एक पर्टिकुलर एक नाइटिंगल की स्टोरी है ये, राइट. और चलिए इसको हम पढ़ते हैं. द नाइटिंगल, दैट इज योर चैप्टर नंबर 2, फाइन, ओके. लॉन्ग एगो द चाइनीज एम्परर लिव्ड इन द मोस्ट ब्यूटिफुल पैलेस इन द वर्ल्ड. इट वॉज मेड ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पोर्सेलेन, राइट. लॉन्ग एगो, बहुत पहले एक चाइनीज एम्परर, एक चाइना इज अ कंट्री, और वहाँ पे जो रूल करते थे एक एम्परर थे, सम्राट थे, राइट. वो दुनिया का के सबसे खूबसूरत महल में रहते थे, मतलब उनका महल दुनिया का सबसे खूबसूरत महल था. क्यों? क्योंकि इट वॉज मेड ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पोर्सेलेन. ये एक दुनिया के सबसे महंगे एक मटेरियल है, पोर्सेलेन का बना हुआ था. पोर्सेलेन आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत महंगे जो आपके कप और प्लेट्स वगैरह आते हैं, जो वाइट कलर के कांच से बने होते हैं, राइट. पोर्सेलेन बिल्कुल वैसे ही होता है. और जब ये स्टोरी जिस वक्त लिखी गई है, ये सारी चीनी मिट्टी के बर्तन आपने सुने होंगे, राइट. तो चीनी मिट्टी जो कहते हैं वो चाइना से आई थी, तो पोर्सेलेन जो है ये वहीं से इसकी ईजाद हुई थी. और ये एक ज़माना था कि आम आदमी के बस में नहीं होता था इसकी छोटे छोटे आर्टिकल्स भी खरीद पाना, ये केवल बड़े बड़े रईस लोग जो थे उन्हीं के बस की बात थी कि पोर्सेलेन का कोई मटेरियल, कुछ खाने पीने की तश्तरी या थाली या ये इसको अफोर्ड कर सके, राइट. बहुत कीमती होता था. तो ये हम यहाँ पर किसी कप सॉसर या इसकी बात नहीं कर रहे. ये जो चाइनीज एम्परर थे इनका पूरा महल ही पोर्सेलेन का बना हुआ था. अब सोचिए जरा कि एक पूरा सफ़ेद कांच का बना हुआ, कांच के एकदम चमकदार, चिकना, बहुत स्मूथ होती है इसकी सरफेस, उसका बना हुआ एक महल कितना खूबसूरत होता होगा, राइट. तो ये वहाँ पे रहा रहते थे. द लवलीएस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ गार्डन्स सराउंडेड द पैलेस. ट्रेवलर्स who had gone beyond the garden came back and reported that the garden eventually became a huge forest that extended down to the seashore.
जो ट्रैवलर्स थे, जो ट्रैवल करते हुए यात्री थे, जो वहां पहुंचते थे, राइट, उन्होंने ये बताया था कि ये जो महल था ये बड़े बहुत विशाल बहुत खूबसूरत गार्डन से घिरा हुआ था, राइट, और ये गार्डन आगे बढ़कर एक जंगल में तब्दील हो जाता था, राइट, बहुत जंगल, घना जंगल था, और ये वहाँ से लेकर एक समुद्र के तट तक, सी शोर तक फैला हुआ था. They spoke of a nightingale that sat in the branches of a tree and sang so beautifully that the poor and tired fishermen stopped their work to listen to the enchanting notes that came out of the throat of the nightingale. साथ ही साथ वो बताते थे एक खूबसूरत गाने वाली चिड़िया के बारे में, पक्षी के बारे में, कि एक कोई नाइटिंगल है वहां पर, एक खूबसूरत नाइटिंगल है जो इतना मीठा गाती है उन जंगलों में सी शोर के पास, कि वहां पर काम करने वाले जो मेहनत कश लोग हैं और जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं, बहुत जोखिम भरा काम करते हैं, वो थक हार के जब लौटते थे तो नाइटिंगल की ये जो एंचेंटिंग मीन्स मैजिकल, एकदम जादुई जो आवाज़ थी, उनकी सारी थकान मिटा देती थी, राइट, एंचेंटिंग नोट्स, उनकी जो जादुई आवाज़ थी नाइटिंगल की, वो उनकी सारी थकान मिटा दिया करती थी, एक नए स्फूर्ति का संचार हो जाता था, राइट, और वो हमेशा उस नाइटिंगल की आवाज की तारीफ किया करते थे. ट्रेवलर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब केम टू सी द ग्रैंड पोर्सेलेन पैलेस एंड द वंडरफुल गार्डन्स, बट व्हेन दे हर्ड द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगल दे ऑल एग्रीड दैट द बेस्ट थिंग अबाउट द पैलेस एंड इट्स वास्ट ग्राउंड्स वाज द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगल. और दुनिया से आने वाले जितने भी यात्री थे वो इस बात पर बिल्कुल सहमत थे कि इस पैलेस, ये पैलेस तो खूबसूरत था, गार्डन भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था, उससे लगा हुआ जंगल बहुत खूबसूरत था, लेकिन सबसे खूबसूरत बात, वो सारे एकमत थे, सहमत थे, कि वो थी उस नाइटिंगल की मीठी आवाज़, उसकी बराबरी इनमें से कोई भी नहीं कर पाता था, राइट. Poems and books were written in praise of its magical voice. One of these books reached the hands of the emperor. He read about all the great things written about his palace gardens and was pleased. इस महल के बारे में, इसके गार्डन के बारे में और उसमें गाती उस खूबसूरत आवाज की मालकिन जो थी नाइटिंगल, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, पोएम्स लिखी गई, किताबें लिखी गई. ऐसी ही कुछ किताबें पहुंची एम्परर के पास. उन्होंने जब अपने महल की तारीफ और उसके आसपास के गार्डन और फॉरेस्ट की तारीफ सुनी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा. कोई भी तारीफ करे किसी की तो हमें अच्छा ही लगता है, राइट. ही रेड some more and then suddenly he read about the nightingale and was astonished. What? He said, the nightingale is the most beautiful of all things in my empire. Where and what is this nightingale? आगे पढ़ा उन्होंने तो महल, गार्डन और फॉरेस्ट के बाद उस nightingale की तारीफ लिखी गई थी. बादशाह ने कहा, अरे ये क्या हुआ, ये मैंने इतनी ज्यादा जो तारीफ सुन रहा हूं मैं, ये नाइटिंगल है कहाँ? क्योंकि राजा अपना जो पैलेस था उसको तो जानता था, उससे लगे हुए खूबसूरत गार्डन के बारे में भी जानता था, आसपास फैले हुए ग्रीन फॉरेस्ट को भी उसने देखा था, लेकिन कभी नाइटिंगल को सुना नहीं था, उसने नाइटिंगल की मीठी आवाज सुनी नहीं थी. उसे बड़ी उत्सुकता हुई कि ये कौन सा एक पक्षी है जिसकी तारीफ इतनी ज्यादा सभी लोग कर रहे हैं. द होल वर्ल्ड नोज अबाउट दिस बर्ड,
is mine and I don't know about it, said the emperor to a courtier. I want her to be presented in my court this evening. अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य में, उस वक्त ये माना जाता था कि भाई एक सम्राट के, एक राजा के राज्य में जो कुछ भी है वो उसी की संपत्ति है. तो उसने कहा कि मेरे ही राज्य में, मेरे पैलेस के पास एक इतना खूबसूरत बर्ड है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, और कितने आश्चर्य की बात है कि उसके बारे में मुझे ही कोई खबर नहीं है. तो उसने कहा ये नहीं, अब मैं जो इतने खूबसूरत गाने वाली ये जो चिड़िया है, नाइटिंगल है, इसको मैं देखना चाहता हूँ. उसने अपने एक दरबारी से कहा कि आई वॉन्ट हर टू बी प्रेजेंटेड इन माई कोर्ट दिस इवनिंग, शाम को मैं दरबार में उस चिड़िया को देखना चाहता हूँ, उस नाइटिंगल को देखना चाहता हूँ. द कोर्टियर आस्क्ड पीपल अबाउट द बर्ड बट रिटर्न्ड एंड सेड, योर मैजेस्टी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रेड अबाउट इन बुक्स. राजदरबारी ने भी कभी उस नाइटिंगल को भी नहीं देखा था. उसने गया, वो दिन भर तलाश करता रहा, शाम को आया और उसने कहा कि महाराज जो कुछ किताबों में लिखा है उन पर आप भरोसा मत कीजिए. नॉनसेंस, सेड द एम्परर, द माइटी एम्परर ऑफ जापान हैज सेंट मी दिस बुक, यू ब्रिंग दैट बर्ड टू मी दिस इवनिंग आफ्टर डिनर. तो राजा ने कहा कि नहीं, ये तुम जो बात कह रहे हो गलत है, ये बात कोई ऐसे वैसे इंसान ने मुझसे नहीं की, बल्कि जापान के जो महाराजा हैं उन्होंने मुझे एक किताब भेजी है जिसमें मेरे इस राज्य के, मेरे खूबसूरत पैलेस का, गार्डन्स का, सबके बारे में वर्णन है, और उसमें उन्होंने इस खूबसूरत पक्षी का जिक्र किया है, तो ये गलत तो नहीं हो सकती. आज रात का खाना खाने के बाद मुझे उस कोयल की आवाज़ सुननी है, कैसे भी हो उसे मुझे मेरे सामने हाजिर करो. Everybody in the palace become confused and excited. Then a poor little kitchen maid said, I know the nightingale very well. I sit in the forest and listen to the song of the nightingale and tears come into my eyes. Pure mahal mein jaise ek confusion ki sthiti ho gayi ki maharaj keh rahe hain ki ab khana khane ke baad mujhe us koyal का गीत सुनना है, और उस कोयल को उस महल में रहने वाले लोगों ने कभी देखा सुना नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि पक्षी को कैसे लाए उसको. तो बड़े परेशान थे वो सारे के सारे. इतने में वहाँ पे काम करने वाली जो एक मेड थी, एक जो लेडी सर्वेंट थी, उसने कहा कि हाँ मैं उस नाइटिंगल को जानती हूँ, मैंने उसे सुना है, और अक्सर मैं जंगल में जाकर जहाँ पर वो गा रही होती है वहाँ पर बैठ जाती हूँ और उसकी मीठी आवाज़ सुनती हूँ. उसकी आवाज़ में इतना प्रभाव है, इतनी मीठी आवाज़ है कि मेरी आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं खुशी के कारण. आई हर्ड, दे हर्ड द लोइंग ऑफ अ काउ, द क्रोकिंग ऑफ द फ्रॉग्स एंड साउंड्स मेड बाय अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स. इज दैट द नाइटिंगल, ही आस्क्ड. नो, सेड द गर्ल. The courtier went with the kitchen maid into the forest. They heard the lowing of a cow, the croaking of the frogs, and sounds made by the other animals and birds. Is that the nightingale? He asked. No, said the girl. जब इस जो एक लेडी सर्वेंट थी वहाँ की महल की, उसने नाइटेंगल के बारे में बताया, तो एक दरबारी उस महिला के साथ जंगल पहुंचा जहाँ पर वो कहती थी कि यहाँ पर मैं उसकी आवाज़ सुना करती हूँ, उसके गीत सुना करती हूँ. जब जंगल पहुँचे तो उन्हें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दी, जैसे लोविंग ऑफ ए काउ. ये याद रखिएगा कि इंग्लिश में अलग अलग एनिमल्स, बर्ड्स के लिए जो उनकी आवाज़ें होती हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है, राइट. जैसे गाय भैंसें, बैल वगैरह जो इनकी आवाज़ होती है इसको बेलोइंग कहते हैं या लोइंग भी कहते हैं उसे, राइट. और जैसे आपने सुना होगा कि लायन रोअर्स,
यानी कि जो शेर होते हैं, सिंह जिनको कहते हैं, उनकी आवाज़ को रोरिंग कहते हैं, राइट। जो डॉग्स होते हैं उनकी आवाज़ को बार्किंग कहते हैं, BARK बार्क, राइट। कैट की आवाज़ को मीविंग कहते हैं, MEW, राइट। तो अलग अलग जानवरों की और पक्षियों की आवाज़ों के लिए अलग अलग नाम हैं। जैसे चिड़ियों के चहचहाने को चिरपिंग कहते हैं, CHIRPING, चिरपिंग। तो कई आवाज़ें वहाँ पे सुनाई दी, जैसे लोइंग ऑफ काउ, एक गाय की आवाज़ सुनाई दी। द क्रोकिंग ऑफ द फ्रॉग्स, जो मेंढक टर्राते हैं उनकी आवाज़ को क्रोकिंग कहते हैं, राइट। और भी अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने पूछा उस मेड से कि क्या ये नाइटिंगेल की आवाज़ है। लड़की ने कहा कि नो, सेड द गर्ल। सडनली दे हर्ड द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल एंड लुक्ड अप। इज दैट सिंपल लुकिंग क्रीचर द ग्रेट सॉन्ग बर्ड वी हैव बीन लुकिंग फॉर, थॉट द कोर्टियर। इज इट पॉसिबल दैट शी हैज चेंज्ड द कलर आफ्टर सीइंग पीपल स्टेयरिंग एट हर। कोयल को आप लोगों ने देखा होगा, कोयल का रंग होता है काला और शरीर की बनावट वगैरह जो होती है बहुत कुछ हम जो क्रोज देखते हैं, कौवे देखते हैं, उनसे मिलती जुलती होती है, राइट। अचानक जब वो कोर्टियर्स वहाँ से पहुँचे तो उन्हें एक बड़ी मीठी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक काला सा बर्ड दिखाई दिया। हैरानी से उन्होंने देखा कि ऐसे काले रंग वाला कोई जिसमें बड़ी खूबसूरती नहीं है, ऐसा बर्ड इतना खूबसूरत गाना गा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि ये बर्ड में कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हों कि लोगों को देखकर ये अपना रंग बदल सकता हो, दरअसल ये बड़ा खूबसूरत हो, राइट। और लिटिल नाइटिंगेल सेड द किचन मेड, अवर ग्रेशियस एम्परर वॉन्ट्स टू लिसन टू योर सॉन्ग, विल यू कम टू द पैलेस एंड सिंग फॉर हिम। वो जो मेड साथ में थी उसने उस पक्षी से कहा कि ए नन्ही कोयल, लिटिल नाइटिंगेल, सेड द किचन मेड, अवर ग्रेशियस एम्परर वॉन्ट्स टू लिसन टू योर सॉन्ग, विल यू कम टू द पैलेस एंड सिंग फॉर हिम। उन्होंने कहा कि जो हमारे महाराज हैं, महाराज की तारीफ है, उन्होंने ग्रेशियस कहा, जो बहुत प्रतापी हों, राइट, बहुत गौरवशाली हों, उसको ग्रेशियस कहते हैं। तो जो हमारे ग्रेशियस एम्परर हैं ये तुम्हारे गीत को सुनना चाहते हैं, क्या तुम पैलेस में आकर उनके लिए एक गीत गाओगी। माय सॉन्ग साउंड्स बेस्ट इन द ग्रीन फॉरेस्ट, आई रिसीव द बर्ड, बट इट विल गिव मी ग्रेट प्लेजर टू सिंग फॉर द एम्परर। कोयल ने कहा कि देखो, यूं तो मेरी जो आवाज है, मेरे जो गीत हैं, ये सबसे अच्छे जंगलों में ही लगते हैं, मगर एम्परर के लिए गाकर मुझे बहुत खुशी होगी। अगर एम्परर मेरा गाना सुनते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी, राइट। तो फिलहाल मैं अपने इस वीडियो को यहाँ तक ही ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पर आज के सेशन के लिए, राइट। इसमें जो आप को बात समझनी चाहिए, अभी तक का जो आपने पढ़ा है उससे ये मैसेज मिलना चाहिए कि पहली बात तो कि हम किसी चीज़ को बहुत करीब से दे, जब किसी चीज़ के बहुत करीब रहते हैं तो अक्सर वो हमारी आंखों से ओझल रहती है, राइट। दूर की चीज़ें थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देती हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप अपनी आंखों के बहुत करीब अपने हाथों को ले जाएं तो उसमें शायद क्लैरिटी उतनी नहीं मिलेगी, राइट, उसमें कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होगा। जैसे ये मैं आपकी किताब एकदम सामने ला ले रहा हूँ, राइट, तो आप देखेंगे कि ये जो है क्लैरिटी ख़त्म हो जा रही है, राइट, लेकिन ये एक डिस्टेंस से सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ रही है। ठीक वैसे ही इंसान को दूर से दूसरों के सुख दुख अच्छे से नज़र आते हैं और खुद के जो भी उसको ऊपर वाले ने दिया है, ईश्वर ने जो कुछ भी चीज़ें दी हैं, वो हमेशा उसको कम ही लगती रहती हैं। दूसरी चीज़, कभी भी किसी के
रूप को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर उसके गुणों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जैसे एक कोयल का एग्जाम्पल मैंने दिया कि कोयल कोई बहुत खूबसूरत पक्षी नहीं होता, काले रंग होता है, बहुत साधारण सा होता है। कई आपने खूबसूरत पक्षी देखे होंगे, जैसे कि पीकॉक को देखा है आपने कि कितना खूबसूरत होता है, वो कलरफुल होता है। पैरट्स आपने देखे हैं कितने खूबसूरत होते हैं, राइट, कितना अशोक, कितना चटक रंग होता है उनका, राइट। तो ये खूबसूरती हैं उनकी, लेकिन इससे उनके गुणों का पता नहीं चलता। कोई भी अगर कोयल को देखें तो उसे अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत होगी। तो कोर्टियर्स जिनके राजा के जो राजदरबारी थे, जिनके महल के पास ही वो कोयल गाया करती थी, रहती थी, देखिए दुनिया को मालूम था कि वो एक खूबसूरत पक्षी, एक खूबसूरत गीत गाने वाला पक्षी राजा के राज्य में है, मगर राजा को ही पता नहीं था, राजा के दरबारियों को ही पता नहीं था। लेकिन देखिए कि गुणों की कद्र, एक राजा तो बहुत बड़ी हस्ती होती है, बहुत माना जाता है कि वो बड़ा बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत बहादुर होगा, ज्ञानी होगा, उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उस कोयल के गुणों के बारे में उसके पास काम करने वाली एक जो मेड सर्वेंट थी उसको पता था। तो गुणों के जो पारखी होते हैं, राइट, जैसे सोने की पहचान एक जौहरी को हो सकती है, हीरे की पहचान एक जौहरी ही कर सकता है, राइट। तो उसी तरह से जो आपके गुण हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर कोई पहचान पाए। तो आज के वीडियो में इस मैसेज के साथ हम इसका एंड करते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको बार बार पढ़ें आप, और दूसरे सेशन में पेज नंबर जो आपका 13 है, राइट, उसका यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, है ना। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। थैंक यू ऑल।